हेलो डियर ऑडियंस, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कोर्स कोड ABC 007 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन को हम कह सकते हैं या डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो दिया जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक गिवन स्ट्रक्चर ऑफ टैरिफ रेट। ठीक है, या ये मेजर करता है टैरिफ के कारण जो डोमेस्टिक के इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस कमोडिटी के वैल्यू में परिवर्तन को मेजर करता है। तो कह सकते हैं इट मेजर द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन गिवन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय अ गिवन स्ट्रक्चर ऑफ नॉमिनल रेट। इट मेजर चेंज इन वैल्यू एडेड इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री ड्यू टू टैरिफ रेट। ठीक है, टैरिफ प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है ERP। आरपी का मतलब होता है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन को मापा कैसे जाता है, वीडी माइनस वीडब्ल्यू फिर डिवाइडेड बाय वीडब्ल्यू। जो वीडी है ये इसका मतलब ये है कि वैल्यू एडेड इन डोमेस्टिक मार्केट, डी डोमेस्टिक मार्केट भी कह सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट, एंड वीडब्ल्यू वैल्यू एडेड इन वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, और उसको फिर डिवाइड किया जाता है वैल्यू एडेड इन वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं प्राइस ऑफ फाइनल गुड एट वर्ल्ड मार्केट प्राइस या वर्ल्ड मार्केट प्राइस, मैंने किसी फाइनल गुड्स का और इमीडिएट गुड्स, दो गुड्स होता है। फाइनल गुड्स मतलब हम उसको मैंने डायरेक्ट वो कंज्यूमर के पास जाता है, इमीडिएट गुड्स जिसको इनपुट भी कह सकते हैं वो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया जाता है। आप कह सकते हैं ये डायरेक्ट ना जाकर फैक्ट्री में जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्राइस है फाइनल गुड का गुड्स का 4000 रुपीज और इमीडिएट इनपुट का प्राइस है 3000 रुपीज। तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ इमीडिएट इनपुट, तो दोनों को घटा देंगे जो दोनों का अंतर ही वैल्यू एडेड होता है। तो जैसे हमारा वर्ल्ड प्राइस है 4000 रुपीज और इमीडिएट इनपुट का प्राइस 3000 है, तो दोनों को घटा दिए तो वैल्यू एडेड एट वर्ल्ड मार्केट प्राइस इक्वल टू 1000 रुपीज। ठीक है, 4000 रुपया हमारा कीमत है फाइनल गुड्स का जो कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करता है, जो इनपुट हमको लगा फैक्ट्री में 3000 का लगा, तो दोनों का डिफरेंसेस ही वैल्यू एडेड, हमने वैल्यू 1000 का एड किया जिसके कारण प्राइस फाइनल गुड्स का प्राइस 4000 है। अब यहाँ पर केस दो तरह का होता है, हम लोग दो गुड्स का हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक फाइनल गुड्स हो गया जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, एक इंपोर्टेड इनपुट भी कर सकते हो या इमीडिएट गुड्स कर सकते हैं जो फैक्ट्री में यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स के लिए। अब यहाँ दो केसेस है, मान लो कि कोई टैरिफ नहीं लगता है इंपोर्टेड इनपुट में बट 20% ठीक है टैरिफ लगा दिया जाता है फाइनल गुड्स में। अब 20% हम फाइनल गुड्स में टैरिफ लगाएंगे तो वर्ल्ड मार्केट प्राइस का 25% हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1000 रुपया होगा, 4000 का 25% कितना होगा 1000 रुपीज होगा। अब डोमेस्टिक मार्केट में उस गुड्स का प्राइस कितना बढ़ जाएगा, 4000 तो वर्ल्ड मार्केट प्राइस था, 1000 और ऐड कर दो तो 5000 हो गया। टैरिफ लगाने 25% टैरिफ लगाने के कारण ठीक है डोमेस्टिक मार्केट में उस गुड्स का वैल्यू 5000 रुपया 5000 हो गया। अब ईआरपी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ हमने 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, इसको एक्सप्रेस हम परसेंटेज में करेंगे। तो आप देखो, तो यहाँ पर 5000 रुपया का मान के चलो हमारे यहाँ जो 5000 रुपया उस फाइनल गुड्स का प्राइस हो गया और 3000 का इनपुट्स है, इनपुट में हमने कोई तरह का टैरिफ नहीं लगाया है। ठीक है, तो दोनों को घटा देंगे तो वैल्यू एडेड इन डोमेस्टिक मार्केट इक्वल टू 2000 और 1000 वैल्यू एडेड इन वर्ल्ड मार्केट। अब यहाँ सबको बैठा देना है,
ठीक है, आप घटाओगे तो 1000 आएगा, 1000 कट गया तो 100% यहाँ निकला। जो बोल रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज ए मच हायर देन नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा हाई रेट का है, यानी 25% अगर हम फाइनल गुड्स पर हम टैरिफ लगाते हैं तो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन 100 के बराबर पड़ता है। ठीक है, दूसरा केस हो रहा है कि हम फाइनल गुड्स में कोई भी टैक्स या इनपुट टैरिफ नहीं लगाते हैं, बट 10% टैरिफ हम लगाते हैं इमीडिएट गुड या इम्पोर्टेड इनपुट पर। तो आप देखो हमारा जो इनपुट का प्राइस कितना है, 3000, यहाँ है 3000, ये ले लिए, इसका हमने 10% निकालेंगे तो 300 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखना है कि जो प्राइस ऑफ इमीडिएट गुड, ठीक है, इन डोमेस्टिक मार्केट में कितना बढ़ जाएगा, 3000 तो वर्ल्ड प्राइस था, 300 रुपया हमारा ऐड होगा इसमें, 3300। और आपने ये दिमाग में रखना है कि हमने कोई टैरिफ नहीं लगा है, फाइनल गुड्स के प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो वैल्यू एडेड कितना होगा, 4000 तो फाइनल गुड्स है, और माइनस इनपुट का प्राइस 300 रुपया से बढ़कर, 3000 से बढ़कर 3300 रुपया हो गया, तो घटा देंगे तो इतना होगा। फिर यहाँ पर जो वैल्यू एडेड इन वर्ल्ड मार्केट में 1000 है वो अपना जगह पर रहेगा, वीडी अपना जो वैल्यू एडेड इन डोमेस्टिक मार्केट 700 है, ये घटा के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में, तो यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो -30% आएगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज निगेटिव दिखा रहा है, यहाँ -30% दिखा रहा है, इसका कहने का मतलब है निगेटिव जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इंडिकेट करता है कि डोमेस्टिक के वैल्यू एडेड इज ए लोअर देन वैल्यू एडेड इन वर्ल्ड मार्केट प्राइस, मतलब डोमेस्टिक में जो मार्केट में जो वैल्यू एडेड होता है वो कम होता है कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट मतलब वैल्यू एडेड इन वर्ल्ड मार्केट प्राइस। आप देख सकते हो वर्ल्ड मार्केट प्राइस में कितना हो रहा है, 1000 रुपीज का वैल्यू एडेड हो रहा है, लेकिन हमारा डोमेस्टिक मार्केट में वैल्यू एडेड कितना हो रहा है, 700 जब हम टैक्स इमीडिएट गुड पर लगाते हैं। तो दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन, आई होप एवरीबडी गॉट, एंड नेक्स्ट वीडियो विल कवर इम्प्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल इट, जय हिंद।